गुड मॉर्निंग ट्वाइस सिटी, मैं हूं आरजे किंग विद आरजे प्रीत और आपने ट्यून इन किया है ट्वाइस सिटी का नंबर वन कम्युनिटी रेडियो 107.8 एफएम देशभक्त रेडियो आपकी आवाज, और शो चल रहा है ग्लोबल लोकल वोकल। गाइज, आज के शो में ना बहुत ही मजेदार बातें होने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है शम्मू जी, जो कि गाने लिखते हैं और डीसी ऑफिस में काम करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि वो अपने काम को और अपने टैलेंट को मतलब कैसे वो टाइम निकालते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पे आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि आंदे आंदे कि मैं मतलब इतने जोगा होया नहीं हैगा, पर मैं खुश नसीब समझा ना अपने आप कि मौका मिला दी मैंने। जो तेरा यार है वो तो मुझे बहुत, अभी हमने लाइव सेगमेंट में भी वही गाना बजाया। गाना सर बहुत अच्छा था आपका, एक सैड सॉन्ग है और पार्टी सॉन्ग है, डिफरेंट जॉनर के गाने हैं, है ना। तो सर सिंगिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही आपका था कि मुझे इस लाइन में जाना है, क्योंकि देखो जॉब तो आप कर ही रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, तो म्यूजिक का भी आपको स्टार्टिंग से था कि मैंने दोनों करना है? स्टार्टिंग तो ही सीखा मैंने स्कूल टाइम तो ही सीखा मुझे शौक गाने का। स्कूल से जितना 8th क्लास जितना होने ना पर छोटी क्लास से उस टाइम भी स्कूल टाइम मतलब सैटरडे परफॉर्मेंसेस पिंडा में मतलब हो जाए जितना उस टाइम भी मतलब गांदा सीगा मैं और बढ़िया रिस्पांस मिलता सीगा स्कूल वालों में। अच्छा सर, आपकी जर्नी की बात करें तो चंडीगढ़ कब आना हुआ आपका और स्टार्टिंग कैसे करी करियर की? शायद 7-8 के बीच आया सीगा चंडीगढ़, इतने अपने मासी जी रहते सीगे उन्होंने को आया सीगा, फिर उतों करते करते फिर मैं इतने अपने डीसी ऑफिस में जॉब लगी मेरी में, और नाल फिर एक मतलब एक ना मतलब शुरू तो ही चलता आ रहा सीगा भी मैं कुछ करना है भी मतलब सिंगिंग मैक्सिमम लिखता सीगा भी मैं राइटर बना और कोई फेमस बढ़िया सिंगर मेरा गाना गा दे और मेरा थोड़ा नाम हो जाए भी, उस तो बाद मैं शुरू करा। और वो गल बनी नहीं है, मैं काफी सिंगर को गया और उन्होंने मतलब लेके रख ले है ना लंबा समा पाते गए, तो चलो नहीं गल बनी नहीं है, फिर हुण मैं अपना फिर खुद ही स्टार्ट कर वाहेगुरु का नाम लेके मैं वधिया होवे घटिया होवे माड़ा होवे चंगा खुद करना है। हाँ भी मैं खुद करूंगा हुण भी किसे ते वो नहीं करना है, तरले मिलते नहीं करने, तरले मिल बहुत करने पैंदे है भाजी जिहड़े थोड़े फेमस होए ना सिंगर उन्हां दे मतलब बहुत करने पैंदे है। हुण मैं नाम काफी हैगा नाम नूं तां की लैणा किसे दा आपां है ना, मेरे नाल भी कुछ बीतियां होईयां, हाँ कुछ बंदिया ने अपने नाम ही पाले गाणियां दे विच। बाकी सर जे आपां गल करिए सपोर्ट फैमिली दा, किन्ना सपोर्ट सीगा तुहानूं? फैमिली दी सपोर्ट भाजी मेरे जिहड़े आल मैंबर ने सारे ओह सारे मैनूं अज तक सपोर्ट करदे आ, ओह करे कम जो मर्जी कर और माड़ा ना होवे। जिला तरन तारन पिंड आनंदपुर नी, नशहरा पनुआ दे कोलो जांदा राह मुड़नी। जिला तरन तारन नी अते पिंड आनंदपुर नी, नशहरा पनुआ दे कोलो जांदे राह मुड़नी, घर सौखे नी ओ शम्मू छटने, साड़ी होगी शुरुआत रुकना नहीं दिन रात रंग मेहनत नूं ला के छटने। क्या बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छे से बता दिया। बाकी हां पिंड दे अपने हैगे ने डॉक्टर बलविंदर राय जी ने, अपने भरा जी ने, वो काफी सपोर्ट करते जी आपां। एक होर सीगे अपने भाजी अपने वो तो इत्थों चंडीगढ़ तो सीगे गगन बराड़, भरा मतलब क्या बहुत सपोर्ट कीती उन्होंने। क्या सर तुसी दस्से कि तुसी म्यूजिक तुसी दस्से कि तुसी लिखदे वी तुसी गाउंदे वी, तुहानूं ज्यादा किस च इंटरेस्ट है? ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦਰਅਸਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ। अब सर के यार बहुत अच्छे से गाने आए हैं, जो दो गाने आए हैं, अब मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप अगर फ्यूचर में चाहो, हम चाहते हैं कि आप बहुत हाइट्स पे जाओ, है ना, अगर आप चाहो कि आपके गाने में कोई हीरोइन अगर आए तो आप कौन सी हीरोइन को लाना चाहोगे? मतलब दिल में तो कहीं होगा ना कि कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस मेरे गाने में आए या कोई पंजाबी हीरोइन आए। हाँ, पंजाबी आए बिल्कुल, गाना करने का नीरू बाजवा, सोनम बाजवा, कोई कौन नीरू बाजवा लगा लाइए। अच्छा नीरू, मतलब आपको नीरू बाजवा पसंद है? हाँ, मैं मन च सोच ही रहा सी काफी दिन हो गए, जे रब ने कि चाहिए तो मैं उन्होंने काम करना पसंद करता।
ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਵਰਟ ਸਿੰਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ सिद्धू मूसे वाले भाजी मतलब दो लाइन अपने सोंग जी जी मैं जेड़ा हुण मेरा आना है सोंग उस भाई वास्ते ही है मैं ओदियां सुनाना जी दो लाइनां तां ओ पूरा नहीं होना ऐसा घाटा पै गया जान तो पहला सब गया दस के जौंदे जी सी ओनू माड़ा चंगा बोल दे टालदा रहा ओ सब हस हस के जौंदे जी सी ओनू माड़ा चंगा बोल दे टालदा रहा ओ सब हस हस के ओ मूसे वाले ने ट्रेंड सेट करते नाले चलिया है लोकां तों खलाकी बलिए ओ एक हाथ नाल कदे ताड़ी ना वजे वजदी तां वजे बस थापी बलिए ओ एक हाथ नाल कदे ताड़ी ना वजे वजदी तां वजे बस थापी बलिए क्या क्या बात है बहुत बढ़िया सो अभी बात करते हैं अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि गाने में और लिखने में आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है मैम गान ची मजा आता है गाने में कभी सर ऐसा हुआ कि मतलब आपके फ्रेंड ने अपने अपने फ्रेंड को बोला हो कि यार मेरे लिए गाना लिख दे तू हां बोलते हैं बथेरे पर किसी के लिए गाना एक दो वास्ते भी लिख के दे हुए हैं सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल के टाइम में ना सॉन्ग से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो या नहीं हो एक्टिव है भाजी पर ज्यादा नहीं है क्योंकि जॉब का करके फिर टाइम देना थोड़ा औखा हो जाता है पर तुसी प्लान कर रहे हो कि मैं होना एक्टिव हां रहूंगी एक्टिव तो हम कोशिश तो मैं तो सर पहला टर्न ट्विस्टर ये है कि आपने बोला है टुंडा मुंडा मुंडा टुंडा पांच बार टुंडा मुंडा मुंडा टुंडा टुंडा मुंडा मुंडा टुंडा टुंडा मुंडा मुंडा टुंडा टुंडा मुंडा 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 सर अगला है चंड खंड खंड चंड चंड खंड खंड चंड फास्ट चंड खंड खंड चंड 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 थैंक यू सो मच गाइस हमें सुनने के लिए थैंक यू सो मच सर आने के लिए हम चल रहे हैं मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम सेम शो तब तक ले आप सुनते रहो 107.8 FM देशभक्त रेडियो आपकी आवाज